नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस इन जावा। अब पहले तो मैं बता होना चाहिए फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस मीन्स स्मॉल टास्क। वी कैन डिवाइड प्रोग्राम इन डिफरेंट टास्क। दिस स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस आर मैथड्स इन जावा। फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड मैथड्स। तो जो छोट प्रोग्राम जो बना हुआ है, अगर हम चाहें तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बोलते हैं स्मॉल टास्क। दिस स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शन। वो छोटे छोटे पार्ट जो हैं उनको फंक्शन कहते हैं। तो जावा में क्या होता है, आप अपने फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कोई चीज़ ज़रूरत है तो एक छोटा सा 2-4-10 लाइनें 15 लाइनें जो भी लिखना है, एक छोटा सा फंक्शन आपने बना लिया और उसको जब चाहा तो आपने प्रोग्राम में कॉल कर लिया। अब जावा में कुछ रेडीमेड फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, इन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो दो तरीके के होते हैं जावा में। कौन कौन से दो तरीके हैं फंक्शंस? वी कैन डिवाइड प्रोग्राम इन स्मॉल टास्क। दीज स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस आर मेथड्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन जावा। कौन कौन से होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस और रेडीमेड फंक्शंस। एंड सेकेंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम बनाते हैं, अपने फंक्शन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर बनाता है यूजर डिफाइंड है, जो पहले से बने हुए हैं सिर्फ उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कॉल करते हैं। दीज आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो आज हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी फंक्शन में मैथमेटिकल फंक्शंस की। लाइब्रेरी फंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे करेक्टर टाइप फंक्शन होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन में। तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस की, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन में क्या होता है, जैसे हम कुछ फार्मूले हैं लगाते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ जाती है मैथ फंक्शन की। तो हम मैथमेटिकल फंक्शन को आज हम पढ़ाएंगे। अब मैथमेटिकल फंक्शन में जो होते हैं वो पैकेज में स्टोर रहते हैं। एक पैकेज देखिए, जो हमारे रेडीमेड फंक्शन हैं वो पैकेज में स्टोर रहते हैं, तो उस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना होता है, तब वो फंक्शन चलते हैं। तो मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो स्टोर होते हैं जावा डॉट लैंग में, और जावा डॉट लैंग ऐसा पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रहता है, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा पैकेज है जो अपने आप से इंपोर्ट रहता है। तो ये पैकेज हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम चाहें तो इसको इंपोर्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तब भी, जब भी हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो हमारा यह पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रहता है, तो इस पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब तो लाइब्रेरी वो कौन सा पैकेज है हमारा, वो फंक्शन पैकेज है जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज कंटेन्स मैनी यूजफुल क्लासेज। इसमें वो क्या होते हैं, बहुत सारे क्लासेज होते हैं, और हर क्लास में आप जानते हैं कि हर क्लास पैकेज में क्या होते हैं, पैकेज में क्लासेज होते हैं, और क्लासेज में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो हर एक क्लास में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो अगर उनको हम यूज करना चाहते हैं तो दो तरीके से होते हैं। एक क्या होता है, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक होते हैं, कुछ फंक्शन नॉन स्टैटिक होते हैं। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक का मतलब है फिक्स फंक्शन, मतलब फिक्स वैल्यू। अब जो स्टैटिक फंक्शन है, अगर हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं क्लास के बाहर, इफ यू वांट टू कॉल एनी स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम आउट ऑफ क्लास, देन वी यूज क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम। जितने भी स्टैटिक फंक्शन हैं अगर उनको हम क्लास के बाहर कॉल करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम। और जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है अगर उसको हम कॉल करना चाहते हैं तो हम उस क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट डॉट करके वो फंक्शन कॉल होते हैं। तो जैसे जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शन हैं वो सब स्टैटिक फंक्शन हैं, इसलिए जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन हैं उनको अगर हमें कॉल करना है तो मैथ डॉट फंक्शन नेम करके कॉल करेंगे। जैसे हमारे करेक्टर फंक्शन है वो भी हमारे स्टैटिक फंक्शन होते हैं, तो उनको भी कॉल करना होता है तो कैरेक्टर डॉट करके फंक्शन कॉल करते हैं। लेकिन जो हमारे स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन नॉन स्टैटिक होते हैं, तो इसीलिए जब स्ट्रिंग फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो हम स्ट्रिंग का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शंस की।
तो मैथमेटिकल फंक्शन कैसे कॉल होगा? ये वेरिएबल लिखेंगे इक्वल मैथ, ये फंक्शन क्लास का नाम, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है तो यहाँ होगा क्लास का नाम, और फिर फंक्शन नेम और पैरामीटर, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स यानी आर्गुमेंट्स, जिनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हम पैरामीटर देते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। तो ये चर्चा हम करेंगे आगे कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल ये जानिए कि जो हम पैरामीटर हम पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, तो हमें वैल्यू आती है। तो ये फॉर्मेट है वेरिएबल इक्वल मैथ, मैथ लगाना पड़ेगा, ये क्लास नेम है क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, तो मैथ डॉट फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होंगे, एक दो तीन जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से पैरामीटर होंगे, या नहीं होंगे, अगर नहीं हैं तो नहीं होंगे, लेकिन जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पैरामीटर्स होंगे। दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब जैसे पहला फंक्शन है पाव फंक्शन, पी ओ डब्ल्यू फंक्शन। पाव फंक्शन जो है इसमें दो पैरामीटर चाहिए होता है। ये क्या करता है, पहला जो पैरामीटर है उसकी पावर दूसरा होता है। जैसे मान लिया हमने दो पैरामीटर पास किया, तो पहला जो पैरामीटर है उसकी पावर सेकेंड पैरामीटर है। जैसे ए और बी है, तो इसमें ए रेस पा बी, ए की पावर बी। अब इसका एग्जांपल देखिए, डबल सी इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर टू कॉमा फोर। इसका मतलब क्या है, टू रेस पा फोर। अब टू रेस पा फोर मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। और एक बात बताना बहुत जरूरी है, ये ज़्यादा जो मैथ फंक्शन जितने हैं, ज़्यादातर इन जनरल ये डबल टाइम वैल्यू रिटर्न करते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो डबल टाइम नहीं रिटर्न करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शन हैं वो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी पॉइंट में वैल्यू होती है जनरली। बहुत सारे हैं जो नहीं, ऐसा कुछ ऐसे और भी फंक्शन हैं जो नहीं रिटर्न करते हैं, दूसरे टाइप भी रिटर्न करते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर फंक्शन जो हैं वो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो हम बता देंगे कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो दूसरे टाइप की वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये टू की पावर फोर, टू की पावर फोर जब कैलकुलेट होगा, टू 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 रेस पावर फोर, तो ये आएगा 16, क्योंकि डबल में आना है तो सी इक्वल हो जाएगी 16.0। ये है हमारा पावर फंक्शन। अगला फंक्शन होता है एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी ए। एक पैरामीटर चाहिए इसमें, जैसे पावर में दो चाहिए होता है, एस क्यू आर टी में एक पैरामीटर की हमें क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालता है। एस क्यू आर टी फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जो हम पैरामीटर देते हैं उसका निकालता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर होता है, जैसे हम लिखें टू स्क्वायर, तो टू स्क्वायर का मतलब है, जैसे हम लिखें फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर का मतलब है 16, फोर की पावर टू। अगर हम कहें फोर स्क्वायर रूट, तो फोर स्क्वायर रूट मतलब फोर का अंडर रूट, तो अंडर रूट जो होगा फोर का स्क्वायर रूट टू होगा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकलता है, स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक है, तो एस क्यू आर टी फंक्शन यूज टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इट रिटर्न्स स्क्वायर रूट। अब क्या होगा, इसका एग्जांपल देखिए, हमने लिखा डबल एस इज इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी फोर। अब फोर का क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा फोर का, टू, तो टू का डबल में वैल्यू आती है क्योंकि, तो एस क्यू क्या हो जाएगी 2.0, ये स्क्वायर रूट है। अगला फंक्शन हमारा है सी बी आर टी, ये नया फंक्शन है, ये जावा 5 में होता है, उसके उससे नीचे नहीं चलता है। तो ये सी बी आर टी फंक्शन है, ये सी बी आर टी फंक्शन क्या करता है, ये क्यूब रूट निकालता है। ये क्या निकालता है, क्यूब रूट निकालता है। जैसे एस क्यू आर टी क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है, ये क्यूब रूट निकालता है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। जैसे हमने लिखा डबल सी इक्वल टू मैथ डॉट सी बी आर टी 8, तो सी बी आर टी 8 का जब क्यूब रूट निकलेगा तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ये क्योंकि डबल में आता है इसलिए 2.0 हो जाएगा। अगला हमारा है सील, सील और फ्लोर दो फंक्शन ऐसे हैं। सील का मतलब है सीलिंग, छत, और फ्लोर का मतलब है फ्लोर यानी फर्श। तो सील फंक्शन जो है राउंडेड अप होता है और फ्लोर फंक्शन राउंडेड डाउन होता है। तो सील का काम है राउंडेड अप होगा और फ्लोर जो है राउंडेड डाउन होगा। तो सील फंक्शन में
हमेशा जो वैल्यू होती है जो देते हैं पैरामीटर, कभी भी उस वैल्यू से कम नहीं हो सकती। लोवेस्ट वैल्यू होगी जो नंबर हमने पैरामीटर पास किया है वो लोवेस्ट वैल्यू होगी, लेकिन जो नंबर दिया है उससे कम नहीं होगी। और जो हमारा फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर में कभी भी जो नंबर हमने पैरामीटर पास किया है उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो सील में राउंडेड अप होता है और फ्लोर में राउंडेड डाउन होता है। तो आप देखिए, सील रिटर्न्स स्मॉलेस्ट नंबर नॉट लेस देन गिवन नंबर, जो नंबर देंगे जो पैरामीटर देंगे उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे हमने दिया डबल सी मैट डॉट सील 6.02, तो 6.02 6.0 नहीं हो सकता। 6.0 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 6.02 से छोटा हो जाएगा, छोटा हो नहीं सकता। तो आपका आंसर आएगा 7.0, डबल में आता है इसलिए। और यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा निगेटिव वैल्यू के लिए। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, निगेटिव में नंबर बढ़ता जाता है तो नंबर छोटा होता जाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि निगेटिव नंबर में बहुत दिमाग लगाना है कि नंबर अगर बड़ा लिखा है तो छोटा है, छोटा लिखा है जितना छोटा कर देंगे। निगेटिव नंबर का मतलब होता है वो जीरो से कितना कम है, तो माइनस फाइव का मतलब है जीरो से फाइव कम है, माइनस टेन का मतलब जीरो से टेन कम है। तो जितना बड़ा नंबर लिख देंगे वो जीरो से उतना कम हो जाएगा, तो इसलिए जितना बड़ा नंबर होगा निगेटिव में उतना छोटा होगा। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा डबल डी इज इक्वल टू मैट डॉट सील -4.02, अब -4.02 लिखेंगे तो अगर माइनस हम सेवन कर देते हैं तो -7 जो है इस नंबर से छोटा हो जाएगा। अगर -7 कर दें तो -6.02 से छोटा हो जाएगा, वो छोटा नंबर सील में हो नहीं सकता, उससे बड़ा ही हो सकता है, ठीक है, उससे जस्ट बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या आएगा, -6.0 आएगा, -6.0 -6.02 से बड़ा होगा। अगर -7.0 देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो -7 जो है इससे छोटा हो जाएगा। अब फ्लोर है, मैं भी बताया अभी, फ्लोर क्या करता है, राउंडेड डाउन करता है, हमेशा जो पैरामीटर पास करेंगे उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, उससे छोटी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी लेकिन सब उस नंबर से छोटी या उसके बराबर होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। जैसे हमने लिखा डबल एफ इज इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर 6.99, हमने लिखा 6.99 लेकिन हमारा आंसर आएगा एफ की क्या आएगी, एफ में स्टोर हो जाएगा 6.0, चार 6.99999 कुछ भी लिख डालिए, क्योंकि अगर हम 7.0 कर देते हैं तो 7.0 जो है वो 6.99 से बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा फ्लोर में नहीं हो सकता, उस नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता फ्लोर में, और सील में उस नंबर से कभी छोटा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, सील में उससे बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा जस्ट बड़ा, और फ्लोर में उसके बराबर हो सकता है या जस्ट उससे छोटा होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ये तो 6.99 तो ये आएगा आपका 6.0, और अगर हम लिखें डबल एफ मैट डॉट फ्लोर -6.1 तो आपका -6 नहीं ले सकते, -6.0 नहीं, क्योंकि -6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, -6 जो है -6.1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आएगा एफ के लिए -7.0, -7.0 जो है -6.1 से छोटी वैल्यू है, जस्ट छोटी, ठीक है। अगला फंक्शन हमारा है ABS, ABS का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, ABS का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या करता है, हमेशा साइन रिमूव कर देता है, अगर निगेटिव है तो साइन, जब भी साइन नहीं होता तो क्या हो जाता है, वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, जब साइन नहीं होता तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर प्लस है रिमूव कर दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव है रिमूव कर दिया तो पॉजिटिव, यानी क्या करता है, जो नंबर है उसको उठाता है, साइन को इग्नोर कर देता है, ये ABS का काम है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ABS इज यूज टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। जैसे
और विदाउट, यानी साइन गैप करता है विदाउट साइन वैल्यू, ठीक है, जैसे हमने कहा INT के। और सुन लो जिस, इसमें क्या है, जिस टाइप की वैल्यू पास करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर आएगा, डबल पास करेंगे डबल आएगा, यानी जिस टाइप का पैरामीटर अंदर पास होगा उस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे जनरली मैथ फंक्शन क्या करते हैं, डबल टाइप रिटर्न करते हैं, लेकिन जो हमारा ABS फंक्शन है, जो जिस टाइप का पैरामीटर पास करेंगे उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पास किया INTK -6, तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा, k के लिए 6 हो जाएगी। जैसे हमने लिखा डबल W = -6.2, तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा और आ जाएगा W = 6.2 हो जाएगी। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अगर लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रहती है। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस हट जाता है तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। यानी साइन हटा, ABS का काम है साइन को हटा देना, केवल वैल्यू वैल्यू रखना, और जिस टाइप की वैल्यू है उस टाइप का आंसर आता है। अगला फंक्शन हमारा है राउंड। राउंड फंक्शन में एक पैरामीटर चाहिए होता है, ये क्या करता है राउंड राउंडेड वैल्यू देता है। और इसमें जो है अगर हम फ्लोट टाइप वैल्यू देते हैं तो INT रिटर्न करता है, अगर डबल टाइप वैल्यू देते हैं तो लॉन्ग रिटर्न करता है। मतलब आप इसको कहिए इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ये राउंडेड वैल्यू रिटर्न करता है, नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर जो जो नंबर हमने दिया है उसके आसपास जो होता है, यानी 5 आर अबव है तो बढ़ जाएगा पॉइंट के बाद, अगर नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यानी नियरेस्ट जिसको कहते ना मैथ्स में आपने पढ़ा होगा राउंडेड वैल्यू, तो ये राउंड करता है। तो जैसे हमने यहाँ दिया INT B = round 3.6, तो 3.6 B के लिए क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगला है मैक्स, और एक मिन होता है एक मैक्स होता है, इसमें दो पैरामीटर चाहिए होता है मिन और मैक्स में। अब इसमें क्या होता है, जिस टाइप का हम पैरामीटर पास करेंगे उस टाइप को रिटर्न करेगा। अगर मान लिया इंटीजर टाइप के दोनों पैरामीटर हैं तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल टाइप का डबल रिटर्न करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रिटर्न करेगा, जिस टाइप के पैरामीटर होंगे उस टाइप को रिटर्न करेगा। और मैच क्या करेगा, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको रिटर्न करेगा, और मिन क्या करेगा, दोनों में से जो छोटा होगा उसको रिटर्न करेगा। मैक्स इज यूज टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन्स ग्रेटर नंबर, एंड मिन इज यूज टू रिटर्न लोवेस्ट नंबर, यानी ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर लोवेस्ट नंबर। तो मैक्स में जैसे हमने पास किया 4.7, ये इंटीजर टाइप के हैं तो 7 बड़ा है तो 7C में स्टोर हो जाएगा, और डबल टाइप का मान लिया दिया तो 4.7, 2.6, तो क्या है 4.7 बड़ा 2.6 से, तो 4.7 स्टोर हो जाएगा। जिस टाइप वैल्यू देंगे उस टाइप वैल्यू आ जाएगी। मीन में रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे हमने दिया M = -min 6.18, छोटा देगा, छोटा क्या 6 है तो 6 स्टोर हो जाएगा। और डबल टाइप का दिया हमने 6.2, 3.6, तो यहाँ पर 3.6, 6.2 से छोटा है तो 3.6 N में स्टोर हो जाएगा। तो मैक्स क्या करेगा, दो नंबर में बड़ा नंबर बताएगा, और मिन क्या करेगा, दो नंबर में छोटा नंबर बताएगा, और जिस टाइप वैल्यू पास करेंगे वैसी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगला है रैंडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है रैंडम। रैंडम फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट नंबर्स बिटवीन 0 और 1। रैंडम फंक्शन क्या करता है, 0 और 1 के बीच के नंबर जनरेट करता है। 0 और 1 के बीच के नंबर कौन से होते हैं, पॉइंट वाले नंबर, यानी हमेशा नंबर पॉइंट में आएगा और पता नहीं है कौन सा आ जाए, ये रैंडमली जनरेट करता है। यानी आपको भी नहीं पता होगा, किसी नहीं पता होगा, लेकिन जो भी नंबर जनरेट होगा वो 0 और 1 के बीच का होगा, यानी पॉइंट में वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा वो पॉइंट में होगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है, मतलब ये रैंडमली जनरेट होता है, कभी कुछ जनरेट होगा कभी कुछ जनरेट होगा। जब भी रैंडम यूज करेंगे तो नंबर जनरेट होगा 0 और 1 के बीच का, यानी पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगी आप भी नहीं बता सकते, लेकिन एक 0 और 1 के बीच की आएगी। जैसे हमने यहाँ लिखा W = -random, कोई इसमें पैरामीटर नहीं होता, तो यहाँ पर आ गया 0.1247, जरूरी नहीं यही है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो नंबर जो जनरेट होगा वो 0 और 1 के बीच का, यानी पॉइंट में वैल्यू जनरेट होगी, ये रैंडम का काम है। अगर हम चाहते हैं कि दो लिमिट के बीच की वैल्यू जनरेट हो जाए, अगर हम चाहते हैं दो लिमिट के बीच की वैल्यू हम जनरेट कर लें रैंडम से, तो
तो उसके लिए एक फार्मूला लगा दीजिए तो दो लिमिट के बीच की वैल्यू जनरेट हो सकती है। वो कौन सी है, जैसे इसका फार्मूला क्या है, पहली चीज़ तो एक फार्मूला रेंज का निकालिए। रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस वन। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस वन, ये रेंज होता है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला लगाइए, आई एन टी वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ क्योंकि मैथ रैंडम फंक्शन जो है वो पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है, रैंडम वैल्यू फंक्शन जो है वो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर हम इंटीजर में चाहते हैं तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी हमने यहाँ आईएनटी टाइप ले लिया तो क्या होगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर टाइप में, पॉइंट के बाद वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आईएनटी मैट डॉट रैंडम इंटू रेंज प्लस मिनिमम, ये लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या होगा, जो मिनिमम और रेंज के लिए फार्मूला लगा दीजिए, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस वन, तो जो हम रेंज देंगे उसके बीच की वैल्यू जनरेट होगी वो इंटीजर में। जैसे हमने लिखा आई एन टी ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में आई एन टी मैट डॉट रैंडम इंटू 11 प्लस 10। अब 11 प्लस 10 लिखा, तो अब 10 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और 11 क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस वन। तो यानी 10 से 20, यानी हमारी मिनिमम लिमिट जो है वो 10 है, मैक्सिमम 20 है, तो 20 माइनस 10 कितना होगा, 10 होगा, प्लस 1 11 हो जाएगा, तो रेंज हो गई है, तो यहाँ 11 हो गया और प्लस मिनिमम 10, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें 10 से लेके 20 के बीच के नंबर जनरेट करेगा। जब भी नंबर जनरेट होगा 10 से 20 के बीच में जनरेट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई रेंज के अंदर वैल्यू जनरेट हो तो ये फार्मूला लगा के हम जनरेट कर सकते हैं। ये तरीका है हमारा दो लिमिट के बीच के नंबर जनरेट करने का। अब इसमें एक मैथ में पाई कांस्टेंट होता है, पीआई, पाई कांस्टेंट होता है। अब पाई की वैल्यू सभी को पता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है 3.14 समथिंग। तो अगर हम चाहते हैं कि पाई, किसी बहुत सारे फार्मूले में पाई की जरूरत पड़ती है, तो हम मैट डॉट पीआई लगा सकते हैं। तो जब मैट डॉट पीआई लगाते हैं तो वो पाई की वैल्यू रिटर्न करता है, कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने लगाया इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ पाई इन डबल, तो डबल पी इज इक्वल टू मैट डॉट पीआई, और कोई फंक्शन नहीं है ये, तो ये पीआई लिखेंगे तो 3.14592 समथिंग वैल्यू आती है, यानी 22/7 जब सॉल्व होता है उतनी वैल्यू आती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होता है, तो 22/7 को सॉल्व करेंगे तो यही आता है, तो डबल में आता है इसलिए ज़्यादा पॉइंट का ज़्यादा डिजिट लिखी रहती है। तो पाई मैट डॉट पीआई क्या करता है, पाई की वैल्यू रिटर्न करता है, कांस्टेंट है। और भी हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैथमेटिकल, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी होते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन, ये भी फंक्शन होते हैं। और इसके लिए हमें जो, क्योंकि हमें साइन फंक्शन क्या करता है, साइन वैल्यू रिटर्न करता है, कॉस फंक्शन क्या करता है, कोसाइन वैल्यू रिटर्न करता है, टैन क्या करता है, टेंजेंट वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इनके लिए क्या देना होता है, एंगल देना होता है, और एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए, एंगल हमारा किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो डिग्री और रेडियन के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जान लीजिए ये रिलेशन होता है, वन एट्टी डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये फॉर्म होता है, ये रिलेशन है 180। तो वन डिग्री क्या हो गया, वन डिग्री इज इक्वल टू पाई वैल्यू क्या होती है, 22/7 हो गई इंटू 1/80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आया, ये हो जाएगा 90, तो जब सॉल्व करेंगे 11/630, यानी 1 डिग्री की वैल्यू होती है 11/630, यानी हमारी जो 1 डिग्री की वैल्यू है, 1 डिग्री की वैल्यू है 11/630। तो अगर हमें कोई फंक्शन लगाना है, अगर हम कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं मैथ का, हमारे साइन लगाना चाहते हैं, तो अगर हम लगाना चाहते हैं लिखेंगे डबल एस इज इक्वल टू मैथ
डॉट साइन, मतलब साइन थर्टी वैल्यू निकालना है, साइन थर्टी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो थर्टी, अब ये थर्टी क्या है, डिग्री में है, हमें चाहिए क्या रेडियन में, तो क्या करिए इंटू इलेवन अपान सिक्स थर्टी कर दीजिए, तो आपका आंसर साइन थर्टी कितना आता है 0.5 के आसपास आ जाएगा, यानी एस की वैल्यू 0.5 के नियर अबाउट आ जाएगी। इसी तरीके आप कॉस निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, तो ये फंक्शंस। तो हमने आज आपको बताया, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हम कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया में भी जाके पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, नई नई जानकारी मिलती रहे। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा कि सब्सक्राइब हो चुका है, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो लिखा रहेगा सब्सक्राइब्ड, तो अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसका आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है, तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा सब्सक्राइब करोगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और जब तक समझ में ना आए बार बार देखना है वीडियो, और जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अपने फ्रेंड से भी कहें कि पूरा वीडियो देखें, और अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर एंड सो ऑन, तो ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय।